डर के बोल रही थी बेचारी कि मैम क्या मैं आपके साथ चश्मा तो उतार कर लगा लेते हैं यहाँ वर्ण बच्चों के बहुत गंदी वाली हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल वेलकम टू कोहली व्लॉग्स हेलो जी हेलो तो मेरी तरफ से है आज व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने करी है गाइस ये सही बात है आज व्लॉग की स्टार्टिंग नीतू ने करी है आज आपको नीतू दिखाएगी वो आज गई थी चांदनी चौक गुरुद्वारे सीसगंज गुरुद्वारे गई थी आज वो वहां से मार्केट गई थी सो आज सारा व्लॉग नीतू ने शूट किया है आज तो आपको दिखाते हैं कि नीतू गई मार्केट में क्या क्या हुआ उसको क्या क्या दिखते हुई और वहां का गुरुद्वारा कैसा है और लास्ट में ना एक स्टोरी भी बताऊंगी एक सरप्राइजिंग स्टोरी हुई आज सदर बाजार में अगेन मेरे साथ तो वो भी बताऊंगी ठीक है पहले आप प्लीज जो वीडियो है उसको देखिए और फिर वापसी आइए हेलो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करूंगी मैं जसप्रीत सिंह कोहली जी है घर पे और मैं आज आ गई हूँ अर्जेंट काम से चांदनी चौक कुछ बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी थी फेस्टिवल आ रहे हैं बिकॉज उसकी तैयारी करनी है तो सोचा कि आज क्यों ना आपको चांदनी चौक की मार्केट घुमाई जाए बट सबसे पहले बाबा जी के दर्शन कर ले तो आइए दिखाते हैं आपको सीजन गुरुद्वारा साइड गाइज जिस जिसको डर लगता है कोविड से डर के बाहर ही निकलते घर से तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी वेयर इज कोविड कहाँ है कोविड नो बडी इज वेयरिंग मास्क हियर नो बडी इज टेकिंग डिस्टेंस मतलब क्या है ये देखो जरा जिसको डर लगता है ना कोविड से वो एक बार सदर बाजार आ जाए ना चांदनी चौक सारा के सारा डर खत्म हो जाएगा है ना पुत्र सही कह रही है ना सारा डर खत्म हो जाएगा वैसे फेस्टिवल है ये दिवाली के टाइम पे सदर बाजार आना मतलब कि पागलपंती करना शुक्र है अभी आज जो है थोड़ा थोड़ा काम ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने प्लास्टिक के बॉक्सेस जो लेने थे हमने ले लिए आपने और अब जा रहे हैं हम मेट्रो स्टेशन तो बट उससे पहले हमें ये जाम फेस करना पड़ रहा है तो देखते हैं इससे कब रिलीज होते हैं हम तो प्रीति कैसा फील हो रहा है बुरा फील हो रहा है हमें एक घंटा हो गया जाम में फंसे हुए एंड सीरियसली फेड अप हो चुके हैं कि जल्दी से बस किसी तरीके से यहाँ से निकल जाएं और अभी भी अब देख सकते हो ट्रैफिक वैसा का वैसा ही है बिल्कुल कुछ भी हिला तक नहीं है एंड हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँचने की वेट कर रहे हैं एक घंटे से काश कुछ मैजिक हो जाए और जल्दी से रास्ता साफ हो जाए है ना अभी तो सही कह रहे ना अभी हमने एक यहाँ पे बहुत अच्छा वाला सीन भी देखा था कि जब लेबर ज़्यादा होती है काम कम होता है तो क्या होता है अर्निंग करने के लिए पेट पालने के लिए लोग क्या क्या करते हैं सो गाइज वापसी नहीं आ रहे हैं बहुत थक गए हैं बालों का हाल देख लो क्या हुआ है इतने भीड़ में बर्न बच चुके बहुत गंदी वाली है ना आज टायर्ड है ना क्या हाल था ना एक तो भीड़ इतनी ऊपर से वहाँ पर बारिश हो गई और सामान भी हाथ में और किचकिच कीचड़ ओ माय गॉड मैं लिटरली बहुत बुरा हाल हुआ आज और सच्ची बता रही हूँ अब ऐसा लग रहा है कि बस बेड मिल जाए और सो जाए सच्ची में मेट्रो में अब जा रहे हैं रास्ते में ही है बाकी आपको दिखाते हैं रेस्ट जो भी हम शॉपिंग करके आए हैं शॉप पे पहुँच के वो छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ शाने आते हैं शॉपिंग करने अच्छा जैसे गढ़ हो गया और बुगरासी हो गया हम क्या करते थे ऋषि ऋषि क्या था वो ऋषिकेश जहाँ पे वो झूला है वो तो लक्ष्मण झूला वो तो है ही घूमने की जगह वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे हरिद्वार गए हो हरिद्वार नहीं गए हरिद्वार गए हम नहीं लेके गए ना मुझे यहाँ जाओ हाँ यहाँ पे गोकुल मथुरा वृंदावन वहाँ के बंदर देखे आपने नहीं जस्ट हम अभी होके आए वहाँ के बंदर कैसे हैं
कि आपके चश्मा है, पर्स है, मोबाइल है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चश्मा चश्मा तो उतार कर लगा लेते हैं, यहाँ छत पे बैठ के निकाल के ले जाएंगे, मोबाइल तक ले जाएंगे, पर्स भी ले जाएंगे। डर नहीं लगता? और फ्रूटी दोगे ना तब फेंकेंगे। अच्छा फ्रूटी देंगे तो? फ्रूटी दोगे जब फेंकेंगे। ओ छोटे बच्चों की तरह। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने कल के व्लॉग में देखा था, संजम की बुआ ने उसको एक ये गिफ्ट दिया था। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? अच्छा बोलो ना, और चाहिए? मांग लो बुआ से, बोल दो बुआ और दे दो, बहुत सारी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जसकीरत इज बैक, जसकीरत आ गया है और उसके हाथ का प्लास्टर भी उतर गया है। सो आप लोगों की ब्लेसिंग्स के थ्रू, गाइस टैटू उतर गया। सो आप लोगों की ब्लेसिंग्स के थ्रू इसका प्लास्टर उतर गया है और हम लोग घर पहुंच गए हैं और नीतू जी शर्म रूम में है, देखते क्या कर रही है। तो गाइस ये देखो मेरे नेल्स। ओह माय गॉड, किसने दिए? बुआ ने। अच्छे हैं? हाँ। अरे वाओ, इसमें तो ग्लिटर भी है। ओह वाओ, इसमें इस एप्लीकेशन करने के लिए, स्टोन एप्लीकेशन करने के लिए, और ये व्हील भी है स्टोन वाला। Wow, it's looking beautiful. रुको रुको, संजम क्या कर रहे हो? नेल पेंट लगा रही हूं। नेल पेंट जो बुआ ने दिया है, दिखाओ। Wow, और नेल्स दिखाओ, नेल्स जो दिए बुआ ने, ये नेल्स दिए बुआ ने। So guys, जिसको नेल्स बाय करने हो, डू कमेंट मी, मैं नंबर दे दूंगा। संजम कैसे लगे आपको ये नेल्स? ऊंची बोलो, जोर से बोलो, बहुत अच्छे। आपको मैंने बताया था ना आज क्या हुआ सरप्राइज में सर? हाँ, क्या सरप्राइज किया था बताओ। मतलब चांदनी चौक गई तो हाँ। वहाँ पे एक शॉप पे मैंने चलते चलते एक शॉप देखी, मैंने कहा चल ठीक है देखते हैं कैसा सामान है, क्योंकि आपको पता है नेल आर्ट के सामान हाँ। लेके तो कीड़ा है मेरे अंदर कि कोई नेल आर्ट का सामान दिख जाए हाँ। और मैं नारू कोई शॉप पे तो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे गई सामान लेने, मैंने चलो देखते हैं, कुछ सामान मुझे अच्छा भी लगा, कुछ सामान मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है कलेक्शन अच्छी है तो बाय कर लेते हैं। तो जब वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे एक लड़की भी बाय कर रही थी, और अभी तो मैंने मास्क लगा रखा था, तो जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए मास्क मैंने नीचे किया ही था कि उसी टाइम हाँ कर आप करो इकट्ठा, इसमें डाल दो। मास्क नीचे किया तो वैसे ही एक लड़की मुझे आके बोलती है आप नीतू खोली हो मैम? मैं क्या हाँ जी। तो पहले तो मैंने सच्ची बताऊं तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है जब मैं कहीं जाती हूँ, एकदम से कोई ना कोई तो पहचान ही लेता, कहीं भी चले जाऊं एक आधा बंदा तो ऐसा मिल ही जाता है कि पहचान ले। फिर उसके बाद इसी साइड में मैंने कहा कह रहे हैं, मैं कहा आप मुझे कैसे जानते हो? तो कहती मैम मैं आपके चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ और मैं आपकी रेगुलर वीडियोस देखती हूँ। तो मैं कहा अच्छा आप कहाँ से हैं? कह रही मैम मैं पटना से आई हूँ स्पेशली नेल्स का सामान देख के, आपकी वीडियोस देखकर। मैंने कहा वाह यार, और वो बंदी इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर लेकर आई हुई थी मेरी वीडियोस देख देख कर प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो कुछ प्रोडक्ट तो उसको वहां पे खैर नहीं मिले क्योंकि हर एक चीज हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, बट स्टिल मैंने उसको इनवाइट किया है। लास्ट में आते हुए शी टोल्ड मी कि मैम क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले, डर डर के बोल रही थी बेचारी कि मैम क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स यार। तो फिर उसने मेरे साथ मतलब बाजार में ही सेल्फी ले, जो शॉपकीपर था वो भी मतलब मुझे ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं मतलब कौन आ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई भाई, गाइस इसको बोलते हैं सेलिब्रिटी वाली फीलिंग, सच्ची में बहुत अच्छा। प्लीज आप देखिए नीतू कोहली एकेडमी नाम से चैनल है, 28,300 सब्सक्राइबर है और 30,000 सब्सक्राइबर पे ना तो हम मैं एक स्पेशल वाली इसमें वीडियो डालूंगी और इंजॉय भी करेंगे, केक वेक लेकर आएंगे हैं सिद्धार्थ जी। ठीक है ठीक है, डन हो गया, डन है ना। सो करते हैं आज का वीडियो यही एंड। हाँ जी, थैंक यू गाइस हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए, पसंद करने के लिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगले नए सफर में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।